दुनिया भर में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस यानी कि फूल्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कहां से प्रचलित हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि इसकी शुरुआत साल 1582 के आसपास हुई। दरअसल इस दौर में फ्रांस में जूलियन कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया था। जूलियन कैलेंडर में हिंदू नववर्ष की तरह ही मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत से साल शुरू होता था, यानी कि 1 अप्रैल से। तो वही ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जनवरी से दिसंबर तक। तो भाई जिन लोगों तक कैलेंडर बदलने की जानकारी देरी से पहुंची, वे मार्च के आखिरी हफ्ते से 1 अप्रैल तक नववर्ष मनाते रहे और इस वजह से उन पर खूब चुटकुले बने, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अप्रैल फूल कहा गया। जहां तक ब्रिटेन की बात है तो अप्रैल फूल यहां 18वीं शताब्दी में पहुंचा। यहां इसे 2 दिन के उत्सव की तरह मनाते हैं। साल 1994 में भारत में अप्रैल फूल के नाम से एक फिल्म भी बनी जिसका गाना अप्रैल फूल बनाया उनको गुस्सा आया। आज भी 1 अप्रैल को खूब याद किया जाता है। इतिहास के दूसरे अंश में बात मशहूर आईटी कंपनी एप्पल की करेंगे। 1 अप्रैल साल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एप्पल की नींव रखी थी। समय के साथ साथ एप्पल का मार्केट बढ़ता ही गया। आज के समय में एप्पल दुनिया भर में सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है। इसके सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स में आईफोन, आईपैड, मैकबुक शामिल हैं। इतिहास के तीसरे और आखिरी अंश में बात भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा की। 1 अप्रैल 1936 में आज ही के दिन बिहार से अलग होकर ओडिशा को नया राज्य बनाया गया। नवगठित ओडिशा में पहले 6 जिले शामिल थे, इसमें कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, कोरापुट और गंजम। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ गई। ओडिशा के उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ बसा हुआ है।